13 अप्रैल 2024 को ईरान द्वारा इसराइल पर एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक करने के बाद अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के हमले का कड़ा जवाब देंगे। हालांकि यह हमला कब होगा इसको लेकर अभी तक इसराइल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इस सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि ईरान को इसराइल के हमले से बचाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसके रक्षक बनकर सामने खड़े हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस और ईरान की गहरी होती दोस्ती की, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही परवान चढ़ी हुई है। और कई ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं, जो उसे इजरायल के हवाई हमलों से बचाएगा। दरअसल पिछले साल मार्च 2023 में ईरान के 17 अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल रूस गया था, जहां पर उन्होंने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों का दौरा किया था। और इन कंपनियों में एक ऐसी कंपनी भी थी जो रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। उस दौरान पुतिन ने ईरान को लड़ाकू जेट्स और ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया था, लेकिन बाद में ये पता नहीं चल पाया था कि रूस ने ये एयर डिफेंस सिस्टम और जेट्स ईरान को सप्लाई किए थे या नहीं। और उस वक्त खबर आई थी कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा हथियार सौदा भी हुआ है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर रूस के भीतर घातक ड्रोन, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, रियल टाइम बैटलफील्ड हथियार बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। चूंकि ईरान पहले ही रूस को अपने घातक ड्रोन्स दे चुका था, जिनका इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन में कर रही थी, और अब इसराइल पर हमले के बीच दोनों देशों की ये डील ईरान के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकती है, क्योंकि रूस की एडवांस टेक्नोलॉजी अभी भी ईरान को अपने दुश्मनों के सामने एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी बना सकती है। जानकारों का कहना है कि ईरान रूस की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इसराइल और अमेरिका के लड़ाकू जेट्स और मिसाइलों को मार गिरा सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से कहा है कि रूस गुप्त तरीके से ईरान को अपने SU-35S सबसे एडवांस फाइटर बॉम्बर्स बेचने के लिए मन बना रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ईरानी एयरफोर्स इससे और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा रूस ने ईरान को जासूसी सैटेलाइट तकनीक के साथ साथ रॉकेट्स और अंतरिक्ष में और ज्यादा सैटेलाइट ले जाने का वादा भी किया है। हालांकि रूस ने ईरान को बॉम्बर जेट्स दिए हैं या नहीं, इसके कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ईरान रूस से उसकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरीज मांग रहा है, जिससे वो अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों को अमेरिका या इसराइल के संभावित हमलों से बचा सके। हालांकि रूस और ईरान के बीच हथियारों की ये सौदेबाजी कोई नई नहीं है, बल्कि 2007 में ईरान ने रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे थे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से रूस ने ईरान को ये देरी से दिए थे, क्योंकि इस डील पर 2016 के आखिर में प्रतिबंध लग गया था, इसलिए 2019 में S-300 एंटी एयरक्राफ्ट का ईरान में संचालन शुरू हो पाया था, और इसके बाद ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है, और रूस के पास इसके कई ऐसे वर्जन हैं, जिनमें ऐसे रडार लगे हुए हैं जो मॉडर्न लड़ाकू जेट्स द्वारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी हरा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस डील का फायदा सिर्फ ईरान उठा रहा है, बल्कि दोनों देशों की इस दोस्ती का रूस भी फायदा उठा रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि पिछले साल रूस ने करीब $2 अरब के सैन्य सामान जैसे एंटी ड्रोन डिफेंसिव सिस्टम को ईरान से खरीदने पर हामी भरी थी।
इसके अलावा रूस ने ईरान से हजारों ड्रोन्स खरीदे थे जो इस डील से अलग थे। इस सब के बीच अगर ईरान को रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो इजराइल, जो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का विचार बना रहा है, उसको ये हमला करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा।